नमस्कार, मी प्राचार्य डॉक्टर संखासकर, मराठा विद्याप्रसारक समाजाचे KSKW कला विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय सिडको नाशिकच्या वतीने राज्यस्तरीय स्वरचित काव्यवाचन स्पर्धेसाठी ऑनलाईन मुक्त व्यासपीठ आपल्यासाठी उपलब्ध करून दिले. या माध्यमातून आपल्या सर्वांशी संवाद साधता आला याबद्दल मला विशेष आनंद वाटतो. महाविद्यालयीन पदव्युत्तर भाषा विभागाच्या संयोजिका प्राध्यापिका केंदाळे, प्राध्यापिका नाठे, प्राध्यापिका गांगुर्डे यांनी आयोजित केलेल्या या काव्यवाचन उपक्रमाचे मी मनापासून कौतुक करते. महाविद्यालयाच्या सर्व उपक्रमांना आमच्या संस्थेच्या कार्यकर्मीचे सातत्याने मार्गदर्शन व सहकार्य आम्हाला प्रेरणादायी ठरते. COVID-19 लॉकडाऊनचा हा कालखंड आपल्या सर्वांची मानसिक परीक्षा पाहणारा ठरला. या परीक्षेत आपण मानसिकदृष्ट्या किती खंबीर आहोत हे आम्हाला बघण्याची व आपणास दाखवण्याची संधी या काव्यवाचनाच्या मुक्त व्यासपीठाने निश्चितच दिलेली आहे. या कवितांनी वास्तवाची जाणीव करून देत कठीण प्रसंगातही जीवनाकडे बघण्याची एक नवी दृष्टी तुम्हाने आम्हाला दिलेली आहे. स्वरचित कवितांच्या या उपक्रमाला कवींचा किती प्रतिसाद मिळेल याविषयी आम्हाला साशंकता होती, परंतु तो उदंड प्रतिसाद आम्ही अनुभवलेला आहे. या सर्व स्पर्धकांचे आणि परीक्षकांचे हे मी मनापासून आभार मानते. लॉकडाऊनच्या ह्या काळातही आपल्या मनातील ऊर्जा कायम ठेवून सकारात्मक नजरेने जीवनाकडे पाहणाऱ्या उमेदवार कवींनी दिलेला प्रतिसाद आमची ताकद ठरला आहे. स्पर्धा महाराष्ट्रापुरती मर्यादित असतानाही आसाम, मध्य प्रदेश, झारखंड या राज्यातूनही आलेल्या कविता जगण्याचा नवा आशावाद देऊन गेल्या. सामाजिक व्यथांना, आईवडील प्रेमाला, त्यांच्या कष्टाला, मजुरांच्या स्थलांतराला, कोरोना काळातील देवदूत, डॉक्टर, पोलीस, शेतकरी अशा अनेकविध विषयांवर या कवींनी माणूस म्हणून जगण्यासाठी नवी ऊर्जा व नवी उर्मी देणारं काव्य आपल्यापुढे सादर केले आहे. आपल्या समाजातील घटक असणाऱ्या तृतीयपंथींनी सुद्धा आपल्या भावनांना मोकळं केलं आहे. आपल्या सर्वांच्या कविता आमच्यावर संस्कार करून गेल्या आहेत. काव्यलेखनासोबतच काव्यवाचन ही सुद्धा एक कला आहे याचा अनुभव आपल्या सर्वांना घेता आला. कविता हे एक प्रभावी माध्यम आहे आपल्या संवेदना व्यक्त करण्याचं, समाज मनात संवेदनशीलता जागृत करण्याचं. व्यक्त होणं खूप महत्त्वाचं आहे. संवाद, काव्य, नृत्य, संगीत, वादन, लेखक, गाणे यातून आपण व्यक्त होऊ शकतो. मन स्वच्छ व प्रसन्न करण्याचं काम कविता करतात. बहिणाबाईंच्या ओव्यांमधील काव्यांच्या मधुरतेला जीवन जगण्याचं गाणं म्हणता येईल. जीवनात चढउतार येतच असतात. जीवनातील काळ्या बाजूपेक्षा जगण्याची दुसरी बाजू दाखवणारी, जगायचं कसं हे शिकवणारी मंगेश पाडगावकरांची एक कविता या कवितेतले कडवं या निमित्ताने मला म्हणावंसं वाटतं. काळ्या कुठं काळोख्यात जेव्हा काही दिसत नसतं, काळ्या कुठं काळोख्यात जेव्हा काही दिसत नसतं, तुमच्यासाठी कुणीतरी दिवा घेऊन उभं असतं. अशा वेळी काळोख्यात कुढायचं की प्रकाशात उडायचं हे तुम्हीच ठरवायचं. सांगा कसं जगायचं. आज वेळ आहे सगळ्यांसोबत जीवन गाणं गाण्याची. चला तर मग आपण सर्व तयार होऊया जीवन गाण्यासाठी, अनुभवण्यासाठी, समाजात संवेदनशीलतेने जगण्यासाठी. त्यासाठी मास्क वापरा, सॅनिटाईज करा, सोशल डिस्टन्सिंगचा आदर करा. पुन्हा एकदा सर्वांचे आभार मानते. धन्यवाद. नमस्कार, मी विवेक मधुकर वारभुवन, विवेकानंद वरिष्ठ महाविद्यालय चेंबूर मुंबई येथील विद्यार्थी. या ऑनलाईन काव्यवाचन स्पर्धेत माझी स्वरचित कविता मांडतोय स्वप्नातल्या माणसाचा प्रश्न. कवितेचं शीर्षक आहे स्वप्नातल्या माणसाचा प्रश्न. कालच्या त्या स्वप्नातल्या माणसाचा प्रश्न काळीच फाडून गेला.
कालच्या त्या स्वप्नातल्या माणसाचा प्रश्न काहीच फाडून गेला, झोपलेल्या समाज मनाला जाग करून गेला। प्रश्न होता लॉकडाऊननं नेमकं काय केलं, प्रश्न होता लॉकडाऊननं नेमकं काय केलं। देशातील दळणवळण बंद केलं, देशातील दळणवळण बंद केलं, कारखान्यांना टाळं लावलं, बाजारपेठांना थंड केलं, ऐशोआरामाची जिंदगी जगणाऱ्यांना घरात क्वारंटाईन केलं, शेतकऱ्याला हवाल दिलं केलं, रोजंदारीवर काम करणाऱ्यांना बेरोजगार केलं। अचानक माझी झोप मोड झाली, अचानक माझी झोप मोड झाली, घर वापसी करणारी मजुरांची गर्दी डोळ्यासमोर आली। तो लोंढा पाहून अंगावर शहारा आला, तो लोंढा पाहून अंगावर शहारा आला, जगाच्या नकाशावर रडणारा भारत मातेचा चेहरा आला। भाकरीसाठी हट्ट धरणारा निकामी मजुराचा पोरगा आला। आज सारं काही आहे आमच्याकडे, आज सारं काही आहे आमच्याकडे, तरी त्याची कदर नाही आम्हाला। पोटच्या लेकराच्या भुकेपायी भिकेचा पदर पसरणाऱ्या आईच्या डोळ्यात डोळे घालून बघा एकदा। आई शपथ सांगतो, झोप नाही लागणार तुम्हाला। पासपोर्टने निर्माण केलेल्या संकटाचा सामना आज राशन कार्ड करतोय, पासपोर्टने निर्माण केलेल्या संकटाचा सामना आज राशन कार्ड करतोय। घरी बसलाय तो पासपोर्टवाला, आणि राशन कार्डवाला तासन तास जीव मुठीत ठेवून रांगेत उभा राहतोय। अहो मृत्यूला तर इथे सगळेच घाबरतात, अहो मृत्यूला तर इथे सगळेच घाबरतात, तरी भुकेपायी जीवावर उधार होऊन ते घराबाहेर पडतात। अहो मृत्यूला तर इथे सगळेच घाबरतात, तरी भुकेपायी जीवावर उधार होऊन ते घराबाहेर पडतात। कोरोना सारख्या असंख्य जीव घेण्या संकटांना ते रोज तळहातावर झेलतात, तेव्हा कुठे त्यांच्या घरी चुली पेटतात, तेव्हा कुठे त्यांच्या घरी चुली पेटतात। मनपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार, मी शिवानी दिलीप जाधव आपल्या समोर सादर करते स्वरचित कविता। कवितेचं शीर्षक आहे माणसांनो कधीतरी असंही जगून बघा। जगताना हजारदा विचार करतो माणूस पैसे खर्च करताना, जगताना हजारदा विचार करतो माणूस पैसे खर्च करताना, इथे तर आयुष्यच खर्च होत चाललंय तरी मनातही नाही माणसाच्या, अरे ही कसली व्यथा। लक्षात ठेवा माणसासाठी पैसे असतात, पैशासाठी माणूस नव्हे। लक्षात ठेवा माणसासाठी पैसे असतात, पैशासाठी माणूस नव्हे, म्हणून पहिलं प्राधान्य माणसाला द्या आणि माणूस म्हणून जगा। म्हणून म्हणते माणसांनो कधीतरी असंही जगून बघा। अजूनही म्हणतो आपण, अजूनही म्हणतो आपण राजे अहो राजे तुम्ही पुन्हा जन्माला या। खरंच राजे एकदा येऊन तर बघा तुमचा मावळा नेमकी करतो तरी काय। राजे अजूनही विचारांनी आपल्या जिवंत आहेत मावळ्यांनो, राजे अजूनही विचारांनी आपल्या जिवंत आहेत मावळ्यांनो, जमलं तर तेवढे विचार एकदा मनात रुजून बघा। म्हणून म्हणते माणसांनो कधीतरी असंही जगून बघा। गेले ते दिवस, गेले ते दिवस खेळीमेळीचे, आनंदाने भीटी गाठीचे आणि नमस्कार घालण्याचे। गेले ते दिवस खेळीमेळीचे, आनंदाने भीटी गाठीचे आणि नमस्कार घालण्याचे। आता दिवस आले ते फक्त चॅटिंग आणि हॅ हॅलो करण्याचे। खरंच माणसा तू जितका आकाशात पोहोचलाय ना तेवढाच खोलवर देखील गेलाय। खरंच माणसा तू जितका आकाशात पोहोचलाय ना तेवढाच खोलवर देखील गेलाय। का जमलं तर चंद्राला घातलीये ना तशी गवसने एकदा माणुसकीलाही घालून बघा। म्हणून म्हणते माणसानं कधीतरी असंही जगून बघा। विसरलोय आम्ही, विसरलोय आम्ही आमची भारतीय संस्कृती, माणुसकी आणि मानवतेचा तो धर्म। फक्त माणूस म्हणून जन्माला आलोय आणि लढतो आहे त्या नको असलेल्या जाती धर्मासाठी अजूनही। जमलं तर माणुसकीच्या या देवळात माणूस नावाचा देव एकदा पूजून बघा। जमलं तर माणुसकीच्या या देवळात माणूस नावाचा देव एकदा पूजून बघा। आयुष्यात एकदा तरी माणूस होय माणूस म्हणून जगा। म्हणून म्हणते माणसांनो कधीतरी असंही जगून बघा, कधीतरी असंही जगून बघा। मनापासून धन्यवाद। नमस्कार, माझं नाव संपदा प्रकाश कांबळे, मी नाशिकची आहे, पुण्यात शिक्षण घेते मॉडर्न कॉलेजला आणि मी MSc मॅथ्स करते। त्यामुळे माझ्या कवितेचं नाव आहे मॅथमॅटिशियन्सचं एक जग। एक्स आणि वायशी आत्ता कुठे सूत जुळलं होतं, एक्स आणि वायशी आत्ता कुठे सूत जुळलं होतं, त्यांच्याशी नव्याने मैत्री करणं आत्ता कुठे मनाने घेरलं होतं। पहिल्या सेमिस्टरला
नव्याने प्रेमात पडावं असं काहीच नव्हतं. ग्रुप तोच, त्यात डिफरन्सिएशन पण तेच. रिअल मध्ये वाट लावणारी न्यूमेरिकलची ती आकडेवारी हा, पण कॅल्क्युलस मात्र नेहमीप्रमाणे ऍडव्हान्स होत. नव्याने प्रेमात पडावं असं काही नव्हतं. दुसऱ्या सेमिस्टरला थोडा कॉम्प्लेक्स आला. तेच तेच कॉलेज करून टोपोलॉजीने होता तेवढा इंटरेस्टही खालावला. ज्या रिंगणात अडकण्याची भीती असते त्याच रिंगणात हेडमास्टरिंग रिंग हंटर घेऊन उभी होती पीडीची धास्ती काय ती कमी होती म्हणून लिनियरने काळजावर मात्र कुऱ्हाड चालवून नेली त्यामुळे नव्याने प्रेमात पडावं असं काही नव्हतं. तिसऱ्या सेमिस्टरला खऱ्या फील्डमध्ये उतरलो. कॉम्बिनेट्रिक्सचं लॉजिक समजून घेता घेता फंक्शनलमध्येही घसरलो नव्याने प्रेमात पडावं असा होता तो फायनान्शियल मॅथ्स पण त्याचा ग्राफ मात्र फार वर चढला नाही ठाम मग नव्याने प्रेमात पडावं असा होता तो ग्राफ कारण याच काळात आयुष्यात खरे रंग मित्रांनी भरले खास कंटाळवाण्या ऑपरेशन्स मध्ये आम्ही लढलो सगळे साथ. नव्याने प्रेमात पडावं असं होतं आता काहीतरी खास चौथ्या सेमिस्टरमध्ये नंबरनी पण थेअरी घडवली. सगळ्या गोष्टी 3D इमॅजिन करता करता बायर स्टार रेन आणि इंटिग्रलने बाजी मारून नेली. फोरियरने इंटिग्रल इक्वेशन सोबत त्याचं एक वेगळंच अस्तित्व निर्माण केलं होतं. आम्ही मात्र लॅटिस सारखं सगळं काही जोडून पुढे चालायचं स्वप्न मनात घेरलं होतं. याच सगळ्या सब्जेक्टवर मात करत आम्ही मनाने जोडलो गेलो फेअरवेलच्या विचाराने मात्र मनात रोज रडलो या सगळ्याची कमी काय ती कमी होती म्हणून ओपन प्रॉब्लेम सारखा हा कोरोना व्हायरस आला त्याच्या सोल्युशनवर विचार करता करता आमचा कॉलेजचा शेवटचा दिवस जगायचाच राहिला नव्याने प्रेमात पडण्यासारखं इथे खूप काही गवसलं होतं पण नियतीने नशिबात काहीतरी वेगळंच मांडून ठेवलं होतं. त्यामुळे आता परत नव्याने प्रेमात पडावं असं काहीच नव्हतं. धन्यवाद. नमस्कार, मी कुऱ्हाडी रेणुका अशोक, मुक्काम पोर जळगाव नेवर, तालुका येवला, जिल्हा नाशिक. मी आपणासमोर एक कविता सादर करत आहे. माझ्या कवितेचे शीर्षक करोना एक महामारी. सडकावर ती दिसत आज आमचे प्राणी आणि पक्षी कारण एक माणसं झाली करोनाचे भक्षी. दुरूनही दिसतो हिमालय आमचा हा छान एकची कारण करोनामुळे झुकली आमान. गाड्या झाल्या बंद झाली हवा ही निर्मळ माणसांच्या उरी दाटली या जळजळ. पक्षी प्राण्यांच्या मनात झाला या गोंधळ. का अचानक कमी झाली माणसांची ही वर्दळ. चार भिंतीत अडकली माणसं ही सारी. काही दिवसांत झाली पृथ्वी निर्मळ भारी. घरी बैसले सगळे झाले सुरू फेसबुक व्हॉट्सअप. वाटे पक्ष्यांना ध्वनी लहरींमुळे चुकतील का आमचे मॅप. श्वानही फिरती रस्त्यांवर मोकाट. अचानक दिसेना पथी गर्दी ही अफाट. सर्व काही घडत या जगात पहिल्यांदा. मनी राही मोठा प्रश्न करोना जाईल का यंदा. जाईल हो करोना देव देईल शक्ती
घरी रहा फक्त हीच एक विनंती। धन्यवाद। पार्थ रामदास भेंडेकर विद्यानिकेतन हायस्कूल शिवाजीनगर गंगाखेडचा वर्ग 9वीचा विद्यार्थी प्रस्तुत राज्यस्तरीय खुली काव्य वाचन स्पर्धेमध्ये माझी एक कविता पाठवत आहे। कवितेचे शीर्षक आहे स्त्री सुरक्षा। इतरांसाठी जगले जीवनभर भोगवस्तू परी माझा प्रवास आहे। इतरांसाठी जगले जीवनभर भोगवस्तू परी माझा प्रवास आहे। भर रस्त्यात वा चौका चौकात श्वापदांचाच राहिवास आहे। भर रस्त्यात वा चौका चौकात श्वापदांचाच राहिवास आहे। ऍसिडने वा पेट्रोलने माझा देह रोज जळतोय। ऍसिडने वा पेट्रोलने माझा देह रोज जळतोय। दिवसा धुळीने मळणारा रस्ता रात्री माझ्याच रक्ताने मागतोय। दिवसा धुळीने मळणारा रस्ता रात्री माझ्याच रक्ताने मागतोय। वासनेचे बलात्कार पुरवण्या खरंच माझा देह स्वस्त आहे। वासनेचे बलात्कार पुरवण्या खरंच माझा देह स्वस्त आहे। माझी तडफड पाहणारी जनता फक्त फोटो काढण्यातच व्यस्त आहे। माझी तडफड पाहणारी जनता फक्त फोटो काढण्यातच व्यस्त आहे। अत्याचार घडताना सर्वांचे डोळे लगेच मिटतात। अत्याचार घडताना सर्वांचे डोळे लगेच मिटतात। घटनेचा आक्रोश म्हणून फक्त मेणबत्त्याच पेटतात। घटनेचा आक्रोश म्हणून फक्त मेणबत्त्याच पेटतात। कधी मुलासाठी छळ होतो कधी हुंड्यासाठी जाच होतो। कधी मुलासाठी छळ होतो कधी हुंड्यासाठी जाच होतो। लग्नानंतर पहिल्याच दिवशी कौमार्याचा जणू सोहळाच होतो। लग्नानंतर पहिल्याच दिवशी कौमार्याचा जणू सोहळाच होतो। माणुसकीच्या मंदिरात माणूस म्हणून माझाही स्वीकार व्हावा। माणुसकीच्या मंदिरात माणूस म्हणून माझाही स्वीकार व्हावा। स्वातंत्र्य आकाशात झेपवण्याचा माझाही अधिकार असावा। स्वातंत्र्य आकाशात झेपवण्याचा माझाही अधिकार असावा। क्षितिजा पलीकडे झेप घेण्याची माझीही एक आस आहे। क्षितिजा पलीकडे झेप घेण्याची माझीही एक आस आहे। पण पुरुष प्रधान संस्कृतीत स्त्री सुरक्षा हा केवळ भास आहे। पण पुरुष प्रधान संस्कृतीत स्त्री सुरक्षा हा केवळ आणि केवळ भास आहे। मनपूर्वक धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम हर्षल क्षत्रिय है। मैं बेसिकली हिंदी कविताएं लिखता हूँ। मैं आज आपके सामने मेरी एक स्वलिखित कविता है जिसका नाम है मंजिल। चलिए शुरू करते हैं। मंजिल, आखिर क्या होगी मेरी मंजिल? एक दिन यूं ही कफन में सो जाना या चिता की जलती आग में राख हो जाना। अपनी सभी इच्छा आकांक्षाओं को पूरा करना या इस भीड़ भरी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा बने रहना। अपने सभी ख्वाबों को पूरा करना या उनको यूं ही दिल में दफन करना। कुछ समझ ना आए तो ठीक, पर ऐसी समझदारी किस काम की जो एक समझदार को भी ना समझ बना दे। तो समझदार बनना या यूं ही ना समझ रहना, इस जिंदगी के खेल निराले हैं। तो इस जिंदगी से खेलना या जिंदगी का एक छोटा सा खेल बने रहना, या फिर किसी और की जिंदगी से खेल कर उसकी जिंदगी खराब करना। इस दुनिया में जन्म तो ले लिया, पर क्यों लिया ये किसी ने नहीं बताया। पर कुछ भी हो, हमने इस दुनिया की हर चीज पे है अपना हक जताया। न जाने हमने कितनों को है रुलाया कि हमारे माँ बाप ने हमें यही था सिखाया। कहते हैं मंजिल का हर एक रास्ता दिल और दिमाग से होकर जाता है, तो दिल और दिमाग दुश्मन क्यों? एक पूर्व तो दूसरा पश्चिम क्यों? एक होशियार तो दूसरा बुजदिल क्यों? एक ताकतवर तो दूसरा कमजोर क्यों? आखिर एक मंजिल के लिए ये सबसे जरूरी क्यों? ये सवाल मेरे दिल में है या मेरे दिमाग में, ये समझना मेरे लिए इतना मुश्किल क्यों? आखिर मैं इस दुनिया में हूँ ही क्यों? इश्क मुकम्मल हो गया तो मुझे मेरी मंजिल मिल गई, तो इश्क मुकम्मल ना हुए आशिक का क्या? कामयाबी मिल गई तो मुझे मेरी मंजिल मिल गई, तो नाकामयाब का क्या? शोहरत मिल गई तो मुझे मेरी मंजिल मिल गई, तो गरीब का क्या? शिक्षा मिल गई तो मुझे मेरी मंजिल मिल गई, तो अनपढ़ का क्या? घर मिल गया तो मुझे मेरी मंजिल मिल गई, तो बेघर का क्या? और जिस्म मिल गया तो मुझे मेरी मंजिल मिल गई, तो रूह का क्या? हमेशा ये चंद सवाल मेरे जहन में आते हैं और मुझे अक्सर पूछा करते हैं कि क्या मेरी मंजिल ये सिर्फ मुकम्मल होने तक ही सीमित है? आज मैं नाकामयाब हूँ तो क्या मेरी मंजिल नाकामयाबी है? मंजिल, ये एक शब्द हमारी जिंदगी में कई मोड़ ले आता है। किसी को चांद पर तो किसी को मजार में पहुँचा देता है। इस देश में कई लोग रोज निकलते हैं अपनी मंजिल की तलाश में, पर कोई निराश, कोई हताश, तो कोई मेहनत के बदले हाथों में खरोचे ले आता है।
यहाँ हर अमीर का बच्चा अमीर तो करोड़ों गरीब के बच्चों में से एक अफसर बन पाता है, यहाँ हर अमीर का बच्चा अमीर तो करोड़ों गरीब के बच्चों में से एक अफसर बन पाता है। हमारी बहन बेटी आसमान में उड़ना तो चाहती है पर यह समाज उनके पंख काट देता है। यहाँ कास्टिज्म के नाम पर नेता अपनी जेब भर जाता है, रेप करके रेपिस सड़कों पर सरेआम घूमता है। सच्चाई तो यह है कि किस्मत से बढ़कर और औकात से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, मेहनत करने वाला हमेशा ही रहता अपने हाथ मलता, मेहनत करने वाला हमेशा ही रहता अपने हाथ मलता। जो मिले उसे मंजिल का नाम दे दिया और जो ना मिले उसे भी मंजिल का। बस इस दुनिया से सीखा इतना है कि यहाँ कोई किसी का नहीं, जिसके जेब में माल है उसका ही सही। फिर इनके लिए कोई कानून कोई संविधान नहीं, फिर इनके लिए कोई कानून कोई संविधान नहीं, जो ये कहेंगे बस होगा वही। फिर इनके लिए कोई कानून कोई संविधान नहीं, जो ये कहेंगे बस होगा वही। पर ये तो वक्त वक्त की बात है, आज इनका है कल हमारा भी आएगा, ये वक्त है जनाब झट से बदल जाएगा। मैं तो एक भटकता हुआ मुसाफिर हूँ जनाब, मैं तो एक भटकता हुआ मुसाफिर हूँ जनाब, पर इस दुनिया से सीख सीख कर ये बंदा अपनी मंजिल तक पहुँच ही जाएगा, ये बंदा अपनी मंजिल तक पहुँच ही जाएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रभात, मैं प्रिया पांडे आप सभी के समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है जरूरत है इंसान को इंसान बनाने की। जरूरत है इंसान को इंसान बनाने की, परायों के दुख को छोड़ो, आज तो अपने भी अपनों के दुख को ढोंग समझते हैं, घर में आए किसी मेहमान को चोर समझते हैं और अपने ही रिश्तों का प्रतिशोध हर रोज करते हैं। ईमानदारी से खून पसीना बहाकर कमाने वाले लोगों से बदतमीजी से पेश आते हैं और निजी फायदे के लिए किसी भी क्षण भ्रष्ट नेताओं के घर जाते हैं। बराबरी के इस दौर में बहुतों को, या कह लो औरतों को, आज भी नीचा दिखाया जाता है और बात जब खुद पे आती है तो उसे अन्याय समझा जाता है। त्योहारों के मौके पर पैसा धुएं की तरह उड़ाता है और उसी पैसे से किसी का भला करने में 100 बार कतराता है। जरा सा पेट्रोल का दाम बढ़ने पर गरीबी का हवाला देकर हाहाकार मचाता है और फिर वही वर्ग त्योहारों के नाम पर महंगी गाड़ियां खरीदते नजर आता है। दान करने के नाम पर फटे पुराने कपड़े बांटे जाते हैं और फिर बाजार से दुगने दाम पर वही कपड़े खरीदे जाते हैं। क्यों नहीं हम अपने ज्ञान का चंद लोगों के जीवन परिवर्तन में उपयोग करते हैं, क्यों नहीं हम जेब से दो पल निकाल कर किसी अजनबी का दर्द समझते हैं, क्यों नहीं हम त्योहारों पर घर में काम कर रहे लोगों को आमंत्रित करते हैं और उनके साथ खुशियां बांटकर समाज को आलोकित करते हैं। तरक्की की राह पर इस कदर बेहोश होकर चल पड़ा है और उसके हर कदम से पृथ्वी का विध्वंस हो रहा है। धरती दूषित कर अब हम आकाश की ओर बढ़ रहे हैं, अपने घर के अंदर पेड़ लगाकर दीर्घायु होने की कामना कर रहे हैं। इंसान खुद को तो इंसानियत के सारे गुणों से खोखला कर चुका है और पृथ्वी को भी विनाश की आग में झोंक चुका है। यूं तो मेरी उम्र अभी कच्ची है मगर मेरी दुविधा बिल्कुल सच्ची है। काश मैं कुछ क्षण के लिए हर तरक्की को रोक पाती और दुनिया के ठेकेदारों से यह कह पाती, सृष्टि अपनी कला का प्रदर्शन दिखाए इससे पहले खुद को अब तो रोक लो, दुनिया में हो रहे प्राकृतिक परिवर्तन की ओर सबसे पहले देख लो। माना कि तुम तुले हुए हो मशीनों को इंसान बनाने में, जंगलों को रेगिस्तान बनाने में, पर अभी जरूरत है बंजर जमीन को गुलस्तान बनाने की, सूखे हुए तालाबों को सैलाब बनाने की, अभी जरूरत है सृष्टि को भगवान बनाने की, अभी जरूरत है इंसान को इंसान बनाने की। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम केतन खैरनार है, मैं मालेगांव से हूँ, मैं नासिक में CMCS कॉलेज में पढ़ता हूँ। मेरे कविता का नाम है हाँ यार मैं घर जा रहा हूँ, द पेन ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। हाँ यार मैं घर जा रहा हूँ, न पेट में कुछ है न सर पे छत है, ना पेट में कुछ है न सर पे छत है, घर कब जाऊँगा दिल में यही जज्बात है। खुद को
जिंदगी के काफी मुश्किल दौर में पा रहा हूँ। हाँ यार, मैं घर जा रहा हूँ। पैर अब रुकते नहीं है, छाले अब छुपते नहीं है। पैर अब रुकते नहीं है, छाले अब छुपते नहीं है। पैरों से लाल रंग का पसीना भी निकल रहा है। वो पसीना पहुँचते हुए मैं आगे भी बढ़ रहा हूँ। हाँ यार, मैं घर जा रहा हूँ। क्या है ये जिंदगी, क्या है ये जिंदगी। उन्हें जीतना था तो उन्होंने हाथ जोड़े थे, और अब हमें जो जीना है तो हम हाथ पैर जोड़ के गिड़गिड़ा रहे हैं। खुद के हक के लिए भीख भी मांग रहा हूँ। हाँ यार, मैं घर जा रहा हूँ। हम जिसे सरकार का कर्तव्य मानते थे, हम जिसे सरकार का कर्तव्य मानते थे, वही सरकार आज हम पे एहसान जो कर रही है। खुद के अधिकार का खाना लेते हुए फोटो भी दे रहा हूँ। हाँ यार, मैं घर जा रहा हूँ। लोग बाहर के खाने के लिए मर रहे हैं, लोग बाहर के खाने के लिए मर रहे हैं, और हम बस खाने की वजह से मर रहे हैं। भले पुलिस वालों के डंडे से पेट ना भरता हो, भले पुलिस वालों के डंडे से पेट ना भरता हो, पर मेरे बच्चों के लिए मैं वो भी खा रहा हूँ। हाँ यार, मैं घर जा रहा हूँ। मैं घर पहुँचूंगा, ये तो मैंने ठान लिया है। मैं घर पहुँचूंगा, ये तो मैंने ठान लिया है। बस मैं परिवार के साथ पहुँचूंगा या किसी के कंधे पे, ये कुछ पता नहीं है। एक तरफ से बाप होने का और एक तरफ से बेटा होने का फर्ज भी अदा कर रहा हूँ। हाँ यार, मैं घर जा रहा हूँ। हाँ यार, मैं घर जा रहा हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम मीनाक्षी रमेश कौशिक है, मैं नासिक की रहने वाली हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है नायक। मनुष्य की भूल मनुष्य पर ही पड़ी है भारी, मनुष्य की भूल मनुष्य पर ही पड़ी है भारी। प्रकृति ने अपनी रचना के खातिर फतवा किया है जारी। अनकहे कोरोना का ये भूचाल है आया, अनकहे कोरोना का ये भूचाल है आया। एक देश पर नहीं समस्त सृष्टि पर है छाया। लड़ने को इससे कुछ नायकों की है जरूरत, लड़ने को इससे कुछ नायकों की है जरूरत। डॉक्टर पुलिस व सफाई कर्मचारियों ने धारण की है वो सूरत। दरबार बंद करके उसने कहा तो खुद को जान, दरबार बंद करके उसने कहा तो खुद को जान। मैं बसा इन सब में मुझको तू पहचान। वो बाहर होके हमें अंदर रहने को कहते हैं, वो बाहर होके हमें अंदर रहने को कहते हैं। हम बैठे हैं सुकून से और पसीने उनके बहते हैं। दान कर सके वो इंसान भला है, दान कर सके वो इंसान भला है। त्याग सके जो स्वयं को कहाँ वो सबके पास कला है। जीवन उनका भी है पर उसका ना कोई मूल है, जीवन उनका भी है पर उसका ना कोई मूल है। अपनों से दूर होकर वो जैसे मुरझाए हुए फूल हैं। मुंह से अपने अपशब्द न निकालो, मुंह से अपने अपशब्द न निकालो, यहाँ फैले महामारी की आग है। अपमान हुआ उनका और लगा तेरे दामन पर दाग है। दिए जख्मों का अभी है गहरा घाव, दिए जख्मों का उन पर अभी है गहरा घाव। चोटें हो कितनी भी बदलेंगे वो समय का दाव। नहीं अपेक्षित उनसे कुछ चाहिए बस हमारा साथ, नहीं अपेक्षित उनसे कुछ चाहिए बस हमारा साथ। हौसला देता है हमारा बढ़ता एक एक हाथ, हौसला देता है हमारा बढ़ता एक एक हाथ। बयां कर दे जो दर्द को शब्दों में, बयां कर दे जो दर्द को शब्दों में, वो गायक है। पर छिपा के उसी दर्द को, पर छिपा के उसी दर्द को, जो लड़े औरों के खातिर वो नायक है। नमस्कार, मेरा नाम जयमाला दीपक चौधरी, मेरे गांव का नाम सावदा। मेरी कविता का शीर्षक है मेरा एहसास। तो मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ। समय समय की बात है, समय समय की बात है, कभी अच्छा तो कभी खराब है।
समय समय की बात है, कभी अच्छा तो कभी खराब है। आदमी हो जनाब, झुक जाए किसी के सामने ये मुमकिन नहीं है। ये मुसीबत क्या चीज है, ये मुसीबत क्या चीज है। उल्टा समय ने दिया है ये कैसा मौका, जंग जारी है दिया किसी ने धोखा। बदल दूंगा मैं ये रंग आसुमा का, करने जा रहा हूँ दो हाथ आसुमा से। एहसास है मुझे ये समय बड़ा ही बाका। समय समय की बात है, कभी अच्छा तो कभी खराब है। आदमी हूँ जनाब, झुक जाए किसी के सामने ये मुमकिन नहीं है। कोरोना ने अपना निकाला है फन, कोरोना ने अपना निकाला है फन, लेकिन उसे मालूम नहीं मैं भी तैयार हूँ अपनी छाती तन। न हारूंगा न हरने दूंगा, हम एक है और एक ही रहेंगे सभी जन जन। समय समय की बात है, कभी अच्छा तो कभी खराब है। आदमी हो जनाब, झुक जाए किसी के सामने ये मुमकिन नहीं है। हम भी कमाल के हैं भैया, हम भी कमाल के हैं भैया, तुझे हरा कर ही दम लेंगे। बच्चे बड़े बूढ़ों को घर में बिठाकर हम सब जवान तुझे जड़ से ही मिटा देंगे। समय समय की बात है, कभी अच्छा तो कभी खराब है। आदमी हो जनाब, झुक जाए किसी के सामने ये मुमकिन नहीं है। तुमने एक काम किया है सुंदर, हम सबको बंद किया घर के अंदर। जान रहा हूँ मेरे अपनों को, सबको मैं परख रहा हूँ। प्यार करते हैं वो सब मुझको, मैं उनके लिए तरस रहा हूँ। समय समय की बात है, कभी अच्छा तो कभी खराब है। आदमी हो जनाब, झुक जाए किसी के सामने ये मुमकिन नहीं है। झांक रहा हूँ खुद के अंदर, झांक रहा हूँ खुद के अंदर, भली भांति में जान रहा हूँ। कुछ सीख तो कुछ सिखा रहा हूँ, इन सभी घटनाओं को बड़ी ही बारीकी से मैं जान रहा हूँ। काल चक्र तो घूम ही रहा है, काल चक्र तो घूम ही रहा है। हे कोरोना, तू भी एक इतिहास बनेगा ये भली भांति में जान रहा हूँ। समय समय की बात है, कभी अच्छा तो कभी खराब है। आदमी हो जनाब, झुक जाए किसी के सामने ये मुमकिन नहीं है। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वस्तिक पिंगळे। आई एम फ्रॉम लोधिवली रायगढ़ एंड द टाइटल ऑफ माय पोयम इज टुगेदर वी फाइट। इट ऑल बिगैन इन नवंबर, ह्यूमैनिटी स्टार्टेड टू क्रम्बल। कोरोना वायरस अपीयर्ड आउट ऑफ नोवेयर, इन्फेक्टेड एंड स्टार्टेड किलिंग पीपल, इंक्रीजिंग अ लॉट ऑफ डिस्पेयर। देयर वाज समवन समवेयर फाउंड ईटिंग अ बैट, द रिजल्ट ऑफ इट वाज काउंटलेस बॉडीज लाइंग फ्लैट। एट फर्स्ट पीपल टुक इट लाइटली एंड नाउ ऑल आर चैंटिंग Please save us, Almighty. Corona's intentions were cruel and demonic. Lockdown and social distancing had an entry which was heroic. New rules and regulations were implemented. It was to control Corona and the dead seed that it had planted. People have become prisoners in their own house. Some of them being productive and some of them turned louse. Those who disobey the rules and structure, Corona says, My growth is exponential. Come out of the house and I shall show my potential. Doctors and health workers deserve everyone's respect because they drive themselves towards the act of protect. Corona has adversely impacted, whether it may be social, educational, economical progress, all is being subtracted. But there is someone who is thankful to the virus as it has reduced a lot of movement and fuss. Yeah, it is our mother nature feeling happy without any torture. No pollution, no degradation, a breathing space without any commotion. But we sure know it's ready to sacrifice if we all come together to save our lives. To overcome the pandemic, big minds are trying to be alchemic. Soon there will be a cure and the infected earth will be pure. Let us not lose hope, remain inside and wash hands with soap. Everything will soon be normal. Just give it some time as the phase is critical. Thank you. My name is Payoshniya Bhai Raut and I am from Nasik. The title of my poem is Being Single.
If a single earth can bear billions of population in her arms, if a single sun can nourish all the lives on the earth, if a single river can quench thirst of so many, one single tree can help out the living world in so many different ways, if an individual farmer can turn barren land into acres of yield, if one single teacher can transform the lives of so many children, if a single doctor can help and treat masses of patients, if one single leader can lead ample of followers, starting a new trade can bring about so many socio-economic relationships among the countries. Starting a new business can give many employment opportunities to so many different people. If one single flag represents strength, level, and power of that country among many countries, if a single constitution can help in proper construction of the nation, if a single governor can govern, and if simple single coronavirus can bring about pandemic situation across the map of the world, then why can't we? If sitting home of a single individual can help out in breaking the chain of this virus, if me as an individual can sit home and follow the rules and regulations for the betterment of the country as well as future generation, then why can't we? If these all single elements of this universe shows individuality in its own way, then why can't we? So let's fight against this pandemic situation together without gathering. So let's be single and do not mingle. Thank you.